नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल फिनोलॉजी मार्केट में। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे एक स्टॉक के बारे में बात करने वाले जो आप आज के डेट में आप देख सकते हैं 3.67% के ऊपर चला गया है दोस्तों। तो पूरा वीडियो में आज आप लोग हम लोग जो है पूरा इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में देना चाहेंगे कि स्टॉक में आगे आपको क्या करना है और कितना खरीद सकते हैं आप स्टॉक उसी के बारे में। तो वीडियो में प्लीज़ पूरा बने रहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन लीजिए। स्टॉक में कुछ पैसा लगाने से पहले आपको एकदम जानकारी होना चाहिए स्टॉक में क्या चल रहा है दोस्तों। और इसमें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि दोस्तों कहाँ से आपको स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, तो वीडियो में पूरा बने रहिए। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। दोस्तों, ये ग्राफ जो है अभी मैं दिखा रहा हूँ येस बैंक का, जो मैंने ज़ीरोधा से लिया है। और ये ग्राफ में दोस्तों मैं कुछ इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे तो ये 5 दिन का मैंने ग्राफ लगाया है। नॉर्मली मैं कोई भी स्टॉक में मतलब कोशिश करता हूँ मैक्सिमम ग्राफ लगा के, जैसे कि 1 महीना 6 महीने का ग्राफ दिखाने के लिए, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं इतना, क्योंकि येस बैंक आपको पता है कि ऑलरेडी डाउन हो गया था मार्केट पर, जो कि अच्छा खासा स्तर पर चला गया था नीचे 15 रुपये के नीचे। उसके बाद ये स्टॉक आप देख सकते 2 या 3 दिन में ही ये स्टॉक जो है 87 के पार लगा दिया। तो आज के डेट में ये स्टॉक देखेंगे 87 कुछ हाई गया था और फिर 62 पॉइंट कुछ अमाउंट में ये 62 रुपीज़ में ये स्टॉक जो है क्लोज हुआ है दोस्तों। तो इसके पीछे पता है आपको दोस्तों कि येस बैंक हमेशा से ऐसा एक स्टॉक रहा जो न्यूज़ के चलते अप हुआ है और न्यूज़ के चलते डाउन हुआ है दोस्तों। तो इसके बारे में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि येस बैंक में अभी क्या करना है वो ज़रूर आपको सोचने की बात है। अगर आपने ये 2 दिन में येस बैंक में स्टॉक खरीदा है तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, आपने उसमें मुनाफा कमा लिया रहेगा, तो निकल लीजिए उसमें से। लेकिन अगर आप येस बैंक में लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो कोई भी इसमें टेंशन की बात नहीं कि येस बैंक भी लॉन्ग टर्म के लिए अभी अच्छा बैंक होने की तैयारी पर लगे हुए है। जैसे कि आपको मैंने पहले वीडियो पर बताया मेरे दोस्तों, येस बैंक में जो है कुछ 100 के ऊपर स्टॉक रहेगा आपके पास, तो उसमें कुछ आपको एक जो है पीरियड तक आपको सेल नहीं कर पाएंगे आप मोर देन 75% स्टॉक। येस बैंक में अभी आपको मैं जैसे कि मैंने वीडियो में बताया पहले वीडियो में कि बहुत सारे बैंक आगे आ गए हैं येस बैंक को जो है हेल्प करने के लिए, जैसे कि एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक हो गया, फिर SBI बैंक हो गया, फिर बंधन बैंक ने भी बोला कुछ 500 या 600 करोड़ इसमें येस बैंक में निवेश करने की सोच रहे हैं दोस्तों। तो येस बैंक जो है अभी एक मतलब बहुत बड़ा बैंक होने के लिए साबित हो रहा है और करीबन इंडिया का जो है 6th लार्जेस्ट बैंक में ये आने वाला है। तो येस बैंक के लिए एक बहुत ही खुशखबरी ये है दोस्तों, शेयर होल्डर के लिए भी और कस्टमर्स के लिए भी कुछ खुशखबरी है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, येस बैंक के ग्राहकों के लिए खुशखबरी ये है कि येस बैंक का जो कस्टमर्स है उन लोगों के लिए एक नियम बताया गया था, RBI ने नियम रूल्स लागू किया था, वो है 50,000 के ऊपर जो है अमाउंट येस बैंक के कस्टमर नहीं निकल सकते हैं 6 महीने के अंदर। तो वो अभी हटा दिया गया है, मतलब आपके 50,000 के ऊपर जो अमाउंट है वो अभी येस बैंक से निकल सकते हैं दोस्तों। ग्राहकों के लिए पहले की तरह ही सुविधा जो है अभी मिलने लगा है। येस बैंक ने ट्वीट कर इस बात को जो है जानकारी दिया है। तो आप ट्विटर में जाएंगे, येस बैंक अकाउंट देखेंगे तो उसमें यह इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। बैंक ने ग्राहकों के जो है हेल्प करने के लिए भी, ग्राहक जो है उन लोगों को पेशेंस के लिए भी जो है धन्यवाद बताया है। और कुछ समय पहले आपको पता है कि RBI ने 50,000 से अधिक अमाउंट पर बैन लगा दिया था कस्टमर का। हालांकि सरकार लगातार कह रही थी कि घबराने की जो है कोई बात नहीं, येस बैंक के जो भी कस्टमर से इन्वेस्टर से जल्दी जो है कुछ ना कुछ सोल्यूशन येस बैंक के लिए निकालेंगे गवर्नमेंट। RBI ने इस बैंक के बोर्ड को भी तत्काल प्रभाव से जो है निरस्त कर दिया था और प्रशांत कुमार को नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को डायरेक्टर का भार सौंप दिया था दोस्तों। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर शांतिकांत दास ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं येस बैंक के जमाकर्ताओं को बताना चाहूँगा कि उनका पैसा पूरा सेफ है और सुरक्षित है, जो चिंता की कोई बात नहीं। तो येस जो रिजर्व बैंक का गवर्नर है मिस्टर शांतिकांत दास, उन्होंने लास्ट मंडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। उन्होंने उसमें जो है येस बैंक के कस्टमर्स को डायरेक्ट करके बताया गया कि घबराने की कोई बात नहीं है, येस बैंक में आपका पैसा पूरा सुरक्षित है।
केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर शाम येस बैंक की पुनर्गठन योजना 2020 के अधिसूचित कर दी थी। इससे पहले आरबीआई ने येस बैंक को 3 अप्रैल तक के लिए जो है इसमें डाल दिया था दोस्तों, मोराटोरियम में डाल दिया था। तो आपको बताना चाहेंगे कि दोस्तों अभी येस बैंक में जो है पुनर्गठन की बात चल रहा है और सरकार ने पुनर्गठन येस बैंक का मंजूरी भी दे दिया है। उसी के चलते आपको दिखने को मिल रहा है दोस्तों कि येस बैंक में जो है शेयर में कंटिन्यूअसली, आप अभी का ग्राफ देखेंगे दोस्तों जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं, अभी का ग्राफ देखेंगे कंटिन्यूअसली एकदम अप हो गया। उसके बाद थोड़ा आप देखेंगे ये जो रेड कैंडल्स है, रेड कैंडल्स में आप देखेंगे थोड़ा डाउन हुआ था, फिर से वो ग्रीन कैंडल्स में आके अप हो गया दोस्तों। तो येस बैंक जो है अभी एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका देगा आपको खरीदने के लिए, लेकिन उसके पहले आपको यह पता होना चाहिए कि येस बैंक आपको कितना शेयर लेंगे अगर आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर्स है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स है दोस्तों तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं, 2-3 साल के लिए जो भी पीरियड रखा गया उसके अंदर आपको स्टॉक नहीं बेचने को मिलेगा। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि पुनर्गठन योजना के तहत SBI 3 साल तक बैंक में अपनी हिस्सेदारी की 26% से कम नहीं कर सकती है, जबकि बैंक अन्य निवेशक तथा मौजूदा जो है शेयर धारकों का 75% निवेश के लिए 3 साल का जो है एक लॉक इन पीरियड होगा। हालांकि 100 से कम शेयर रखने वाले इन्वेस्टर्स पर लॉक इन पीरियड का नियम लागू नहीं होगा। मतलब अगर आप येस बैंक में 100 से 100 से कम शेयर रखते हैं तो आपके ऊपर कोई भी लॉक इन पीरियड का नियम लागू नहीं है। अगर आप 100 के ऊपर शेयर रखते हैं येस बैंक में तो आपके ऊपर लॉकिंग पीरियड जो है SBI का वो लागू हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको पता नहीं चल रहा है लॉकिंग पीरियड क्या है तो वो आप हमारे पुराने वीडियो में जाके, इसके पहले जो वीडियो बना है उसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो आपको यही निवेदन करूंगा कि अगर आप स्टॉक ले रहे हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं जाना चाहते दोस्तों तो थोड़ा थोड़ा करके 90-95 स्टॉक खरीद के इसमें आप डेली का पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक एक ही दिन में जो है 15-20 रुपये भी प्रॉफिट दिया दोस्तों। तो आप उस हिसाब से भी देखेंगे तो एक स्टॉक में आपको 15-20 रुपये प्रॉफिट निकलता है, अगर आप 95 स्टॉक भी लेते हैं तो एक अच्छा खासा मुनाफा निकलने का उम्मीद रहेगा दोस्तों। तो आप इसमें अभी अगर आपको लगता है कि नहीं लॉक इन पीरियड वगैरह नहीं देखना है, लॉक इन पीरियड में झमेला है दोस्तों, तो मैं यही बताना चाहूंगा आपको, तो उसमें आप क्या कीजिए, 100 के नीचे स्टॉक लीजिए और डेली का डेली आप ट्राई कीजिए उसमें मुनाफा निकालने का। मतलब 50 स्टॉक लीजिए, 60 स्टॉक लीजिए, 90-95 स्टॉक यू कैन ऑल्सो टेक, देन यू आपको जो है वो सोल्व करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आप जो है इसमें एक मुनाफा लेकर डेली का निकल सकते हैं दोस्तों। करते दोस्तों कि वीडियो में जो भी इन्फॉर्मेशन दिया वो आपके लिए क्लियर हो गया। अगर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट में बताइए, हम लोग जरूर कोशिश करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन देने का। और दूसरा भी कोई स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ एंड प्लीज़ कमेंट पर जरूर बताइए, हम लोग इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे आपको, कोशिश करेंगे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए दोस्तों।